शिक्षार्थियों, प्रयोग संख्या 15 पर आज हम बात करेंगे उदर समूह के आसनों का अभ्यास। हमारा उद्देश्य है उदर समूह के आसनों का पूरा अभ्यास करने के पश्चात हम इनका अभ्यास करना जान पाएंगे, उन्हें प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, योग अभ्यास सुबह प्रातःकालीन समय में करना बहुत अच्छा रहता है और खुले स्थान पर पार्क में और हवा एकदम ठंडी ठंडी बहती अच्छी लगती है, तो वही समय हमारा वैसे ब्रह्म मुहूर्त काल सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है योग अभ्यासियों के लिए, तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने जो हमारे वस्त्र हैं, हमारी जो परिधान है योग की, उस पर भी ध्यान देंगे। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आरामदायक ढीले वस्त्र हों, सूते कपड़े पहने जाएं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। साथ में अभ्यास करने से पहले विशेष ध्यान रखें, पेन पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, आभूषण, सभी सामान बाहर निकाल दें। आइए हम सबसे पहले उत्तान पादासन करेंगे। दंडासन की स्थिति में हम बैठे हैं। दंडासन से सबसे पहले हम शवासन में आते हैं। शवासन में आते हुए शवासन की स्थिति, दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ आसमान की ओर, उत्तान पाद आसन में दोनों पैरों को उठाना होता है, तो सबसे पहले हम अर्ध उत्तान पाद आसन करेंगे। और उत्तान पाद आसन, अर्ध उत्तान पाद आसन करने के लिए हमें एक पैर उठाना है सबसे पहले, तो हम चेतनावस्था में आते हैं, अपने आप को चेतनावस्था में लाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों पैरों को मिलाकर खड़ा करते हुए दोनों हाथों को अपने शरीर से चिपकाते हुए हम अपने सीधे पैर को धीरे धीरे ऐसे ऊपर की ओर उठाते हैं। हमारा सजगता पैर पर जितना हम उठा सकते हैं उतना उठाएं, कुछ सेकंड इसी अवस्था में रुकें, हमारी हथेलियों पर प्रेशर के साथ, ताकि जो कमर पर प्रेशर पड़ता है उसको ठीक से देखा जा सके और सुरक्षित भी रहा जा सके। धीरे धीरे नीचे की ओर, इसी प्रकार दूसरे पैर को ऊपर की ओर उठाते हैं, जितना अधिकतम उठा सकते हैं उतना उठाने का प्रयास करते हैं। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। इसी प्रकार दोनों पैरों से भी हम इस अभ्यास को करेंगे, जिसको हम पूर्ण उत्तान पादासन कह सकते हैं। अर्ध उत्तान पादासन में जिस प्रकार हमने एक पैर को उठाया, यह अभ्यास हम तीन तीन बार दोनों पैरों से कर सकते हैं और तत्पश्चात हम पूर्ण उत्तान पादासन करते हैं। पूर्ण उत्तान पादासन के लिए दोनों पैर धीरे धीरे उठाते हुए श्वास को भरे रखते हैं। जितनी देर तक हमारी क्षमता है हम श्वास रोक करके, और जब हमें प्रश्वास की आवश्यकता होती है, यानी श्वास निकालने की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए या पैर नीचे ला करके श्वास को छोड़ते हुए। यही अभ्यास तीन तीन बार हम करते हैं। एक बार पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए, हथेलियों को दबाए हुए, ताकि कमर पर पड़ने वाला प्रेशर वो ज़्यादा समस्या क्रिएट ना करे, और
धीरे धीरे क्षमता के अनुसार रोकने के पश्चात वापस आते हुए। शवासन में आ जाएं, पूरी सक्रियता सजगता के साथ घुटनों के आसपास अपने पैर और मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, सिर और गर्दन एक सीध में रहें और जो अभ्यास हमने किया है उसके प्रभाव को महसूस करें। आप पाएंगे कि हमारे पैर, कमर, टखना सभी अंगों में बेहतर प्राण संचार का आनंद हमें मिल रहा है। आइए दूसरे अभ्यास के लिए शवासन से हम चेतन अवस्था में आते हैं, दोनों पैरों को मिलाते हुए। अब हम पाद चक्रासन कर रहे हैं। पाद चक्रासन के लिए दोनों हाथों की हथेली जमीन पर दबाए हुए एक पैर को यानी अपनी राइट लेग को धीरे धीरे अधिकतम जमीन से ऊपर उठाकर गोल गोल यानी वृत्ताकार घुमाते हुए जितना आसानी से एक बड़ा वृत्त हम बना सकते हैं, हम बनाएंगे। तीन तीन राउंड हम क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार दूसरे पैर से श्वास भरते हुए क्लॉकवाइज तीन बार इस अभ्यास को करते हैं। पुनः एंटी क्लॉकवाइज इसी पैर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे की तरफ वापस धीरे 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 अपने विश्राम की अवस्था में। शवासन की स्थिति इस अभ्यास में भी हमारी सजगता, हमारे पैर की मांसपेशियों पर और पूरी सजगता के साथ ध्यान रहे। दोनों पैर एक साथ उठा करके जब अभ्यास ये किया जाए तो थोड़ा सा कठिन अभ्यास होता है। हृदय व कमर के रोगियों के लिए यह अभ्यास वर्जित माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपने सजगता को और प्रेशर को ध्यान में रखते हुए यह अभ्यास कर सकते हैं। आइए तीसरे अभ्यास पर चलते हैं। पाद संचलन यानी साइकिलिंग, साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। साइकिलिंग के अभ्यास के लिए हम चेतनावस्था में दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जमीन पर, जैसे एक पैर से साइकिल चलाते हैं, पहले सीधे पैर से मोड़कर ऊपर की ओर लाएं, श्वास लेते हुए फिर साइकिल के चलाने की तरह पंजे को आगे पीछे करें। तीन बार इसको हम करते हैं। अब दूसरे पैर से, दूसरे पैर को भी इसी प्रकार मोड़कर साइकिलिंग की यह अवस्था। अब हम दोनों पैरों को इसी प्रकार मोड़कर घुटनों से खड़ा करते हुए अपनी चेस्ट की ओर लाते हुए और दोनों पैरों से साइकिलिंग करते हुए एक पैर पहले आगे फिर दूसरा पैर उसके पीछे, जैसे साइकिल चलाते हैं इसी तरह से पांच से छह बार। अब पुनः इसकी अपोजिट डायरेक्शन, साइकिलिंग में वापस अपोजिट डायरेक्शन में
और धीरे से दोनों पैरों को वापस लाते हुए और सवा आसन में विश्राम करते हुए। अब हम पवन मुक्त आसन करते हैं। पवन मुक्त आसन के लिए सवासन से सबसे पहले चेतन अवस्था में आते हुए दोनों पैर एक दूसरे से मिलाकर खड़े करते हुए दोनों हाथों को पास ले जाकर हथेली हमारी जमीन पर फर्श पर। पवन मुक्त आसन के लिए सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को उठाकर मोड़िए, अपने वक्ष स्थल की ओर लाते हुए दोनों घुटनों को हथेलियों के द्वारा फंसाकर श्वास भरकर श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए और घुटनों को अपने नाक के पास लाते हुए सर उठाकर और घुटनों से नाक को लगाने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे वापस आते हुए इस क्रिया को 3 से 4 बार श्वास और समय के अनुसार जो हमारी क्षमता है उसके अनुरूप करते हैं। थोड़ी देर सवासन में विश्राम करते हैं। यहीं से हम अगले उद्राकर्षण आसन में आते हैं। उद्राकर्षण आसन के लिए फिर एक बार चेतनावस्था, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर दोनों हाथों को हथेलियां जमीन पर फर्श पर, यहाँ से अपने दोनों घुटनों को ऊपर की ओर लाकर मोड़ते हुए दोनों हाथों की हथेलियां हमारे सर के नीचे लगाते हुए। ध्यान रहे कि जब हमारे पैर राइट डायरेक्शन में होंगे तो हमारा सर मुख का लेफ्ट की साइड, और जब पैर हमारे लेफ्ट साइड हों तो हमारा सिर राइट साइड। चलिए इस अभ्यास को करते हैं। हमारे दोनों पैर जिस दिशा में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सिर। यहाँ आप महसूस करेंगे कि हमारी जो कमर की मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। पुनः दूसरी दिशा में घुटनों को इसी तरह से ऊपर उठाए हुए और सिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। उद्राकर्षण की स्थिति इसी प्रकार इस अभ्यास को 3 से 4 बार करते हैं। अभ्यास के पश्चात धीरे धीरे सवासन में आते हुए रीढ़ की हड्डी को इस आसन के माध्यम से एक मसाज मिल जाती है। इससे पैनक्रियास आदि ग्रंथियां भी सक्रिय होती हैं और इंसुलिन का सिक्रेशन बेहतर होता है। कब्ज और गैस की जो शिकायत है वो भी दूर होती है। पूरे अभ्यास के दौरान अपनी सजगता, श्वसन, मानसिक गणना, आंतरिक उदरीय मालिश को बनाए रखेंगे। ये सावधानी भी हमें रखनी है। उपरोक्त अभ्यासों के करने के दौरान जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं उसमें कोई जल्दबाजी न करें, शरीर की क्षमता का भरपूर उपयोग करें, उसके अनुसार अभ्यास करें। सजगता और ध्यान के साथ हम इन अभ्यासों को करें, इसका हम
ध्यान रखें। शिक्षार्थियों, सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं में हम शक्ति वन समूह के आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। प्रयोग संख्या 16, जिसका उद्देश्य है शक्ति वन समूह के आसनों को पूरा करने के पश्चात आप इनका अभ्यास करने और इनको प्रदर्शित करने की निरूपण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सबसे पहले इसमें हम चक्की चालन आसन का अभ्यास करेंगे, इसके पश्चात नौका संचालन आसन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं चक्की चालन आसन का अभ्यास। दंडासन में बैठे हुए हम सबसे पहले अपने दोनों पैरों को अधिकतम खोलने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात दोनों हथेलियों को सामने लाते हुए दोनों को आपस में मिलाकर आगे की तरफ रखते हैं, हाथ सीधे रहें। अब जिस तरह से चक्की चलाई जाती है, अपने राइट लेग की ओर से झुकते हुए एक बड़ा सा व्रत चक्की चलाने की तरह इस प्रकार तीन से चार पांच बार हम इस तरह का अभ्यास करते हैं और तत्पश्चात यहीं से इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चक्की चालन का अभ्यास करते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, अपने पैर पिंडलियों में, जांघों में इनकी जो मांसपेशियां हैं उन पर पड़ रहा खिंचाव उसको महसूस करें। बाहों में हो रही थोड़ी सी जो इस अभ्यास के प्रति सजगता है उसको महसूस करें, अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। आइए अब हम नौका चलासन का अभ्यास करते हैं। दंडासन से अपने दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर उठाइए जैसे नाव में बैठकर नाव के चप्पुओं को पकड़ते हैं। आप महसूस करें कि नाव चलाने के लिए पानी में जो प्रेशर लगाना पड़ता है उस चप्पू के माध्यम से चप्पू को पीछे की ओर खींचते हुए और फिर आगे लाते हुए इस प्रकार आगे पीछे आपकी नाव चलने लगी। आगे पीछे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास लेते हुए पीछे की तरफ आप महसूस करेंगे जैसे आप स्वयं नाव चला रहे हैं। थोड़ी देर के पश्चात विश्राम करें, दंडासन में विश्राम की स्थिति। आइए अब हम रज्जुकर्षण आसन का अभ्यास करते हैं। रज्जुकर्षण अर्थात रस्सी से पानी खींचना, कुएं से पानी खींचने वाली स्थिति में आसन। इसके लिए सबसे पहले हम अपने लेफ्ट पैर को आगे की ओर बढ़ाते हैं, घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ आगे की ओर और अपने एक हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए। यहाँ ऐसे लगे कि आपने
रस्सी को पकड़ लिया है और बाल्टी जो कुएं में पड़ी है रस्सी से बंधी, उस बाल्टी की रस्सी को आप जब नीचे की ओर खींचेंगे तो दूसरा हाथ स्वाभाविक रूप से रस्सी पकड़ने के लिए ऊपर जाएगा। हम बलपूर्वक श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, रस्सी पकड़ करके नीचे की ओर खींचते हुए इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी इसी प्रकार करते हुए। आइए अब हम काष्ठ तक्षण आसन यानी कुल्हाड़ी चलाने की स्थिति वाला आसन का अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास के लिए हम पैर के पंजों के बल उकड़ू बैठेंगे, धीरे धीरे नीचे झुकते हुए आराम से पंजों के बल बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर ऐसा महसूस करें कि जैसे आपने एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी अपने हाथ में पकड़ ली है। इस प्रकार हाथ ऊपर से हा ध्वनि के साथ नीचे लाइए। नीचे भी देखते हुए अपने लक्ष्य को, श्वास छोड़ते हुए अंदर के सारे आक्रोश बाहर निकल रहे हैं, इसी भावना के साथ इस अभ्यास को 5 से 10 बार कीजिए। फिर थोड़ी देर पश्चात विश्राम कीजिए। विश्राम की स्थिति के लिए आप अपने आप को कागासन की स्थिति और कागासन से धीरे धीरे दंड आसन की स्थिति में आते हैं। यह अभ्यास तनाव और तनाव जनित रोगों के लिए प्रभावकारी है, साथ ही अवसाद के रोगियों के लिए प्रभावकारी है। जो घबराते हैं या दबाव में रहते हैं उन्हें यह अभ्यास सक्रियता के साथ करना चाहिए। इस अभ्यास के लिए कुछ सावधानियां हैं और ख़ास तौर से जो अभी तक ये अभ्यास हमने किए हैं इनमें कुछ सावधानियां हमको जाननी बहुत आवश्यक हैं। कमर दर्द की समस्या किसी को है, स्लिप डिस्क हर्निया से पीड़ित व्यक्ति है, तो वो विशेषज्ञ की सलाह पर ही इन आसनों को करें। गर्भावस्था के अंतिम दिनों के दौरान इस आसन समूह को बिल्कुल ना करें। उपर्युक्त आसन जिनकी हमने अभी आपसे बातचीत की, इन आसनों को जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। अभ्यासों के दौरान पूर्ण सजगता और ध्यान आसनों पर रहे। यदि हम लाभ की बात करते हैं तो ये जो हमारी सीरीज है 4 आसनों की, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और इन आसनों के लाभ हम देखें तो आसनों के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा प्रभाव में वृद्धि होती है और ये आसन तंत्रिका, पेशी, गांठ आदि की समस्या को भी दूर करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि उनको क्रियान्वित करते हैं, उनका नियंत्रण करते हैं। ये अभ्यास हमारे शरीर की जकड़न को भी दूर करते हैं और हमारी क्षमता में वृद्धि करते हैं। आइए
यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं के अंतर्गत हम प्रयोग संख्या 17 पर बातचीत करते हैं। आँखों के लिए अभ्यास। आँखों के लिए अभ्यासों को पूरा करने के पश्चात आप इनको करने तथा प्रदर्शित करने की क्षमता प्राप्त करेंगे। दोनों आँखों का अभ्यास हमें करना है। पहली क्रिया हम इसके लिए करते हैं, वैसे इसको नेत्र शक्ति विकासक क्रियाएं भी कह सकते हैं। दोनों पैर मिलाकर सीधे अवस्था में खड़े हुए, दोनों हाथों को अपनी कमर पर लाते हुए लगाकर फिक्स करें। अब हम गर्दन को सीधा रखकर आँख की पुतलियों को पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर घुमाएं। पहले दाईं ओर पुतलियों को घुमाते हुए फिर धीरे धीरे सेंटर लाते हुए और सेंटर से फिर बाईं ओर लाते हुए अधिकतम लाने का प्रयास करते हैं। बाईं ओर से धीरे धीरे फिर सेंटर और सेंटर से फिर धीरे धीरे दाईं ओर। यही अभ्यास 8 से 10 बार दोहराते हैं। इसी के साथ ही एक बार हम अपने आँखों की पुतलियों को सर्किल में राउंड राउंड घुमाते हैं। एक बार जिस तरह से घुमा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फिर आँखों को सामान्य स्थिति में लाते हुए विश्राम दें। लाभ की हम बात करें तो आँख की सभी विकृतियाँ दूर होती हैं, दृष्टि तीव्र होती है। यदि यह क्रिया लगातार की जाए तो आँखें सदैव स्वस्थ रहती हैं। आँखों के अन्य विकार जैसे आँखों से पानी आना, जलन होना, खुजली एवं आँखों की थकावट सब दूर होती है। लेंस की पावर भी कम होती है। कुछ सावधानियाँ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, उपर्युक्त जो अभ्यास अभी हमने किए हैं उनमें जल्दबाजी न करें, नेत्र की क्षमता के अनुसार करें और पूर्ण सजगता और ध्यान के साथ करें। अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी और सिर एक सीध में होने चाहिए। प्रत्येक अभ्यास के पश्चात नेत्रों को विश्राम दें। सिर दर्द, उच्च रक्तचाप को कम करने में भी ये सहायक हैं। स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि करता है, चेहरे के तनाव को दूर करता है, सुंदरता में वृद्धि करता है।